बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दरअसल ये ना ईद वाले दिन की वीडियो है, तो बीच में बस कुछ बीमार सी हो गई थी तो इस वजह से ना तो अपलोड हुई। वैसे ऐसे भी नहीं है कि बस लेटी रही, बस थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी तो कुछ काम करने को, वैसे तो जो काम है मेरे वो तो मैंने ही करने, तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। तो काफ़ी दिन हो गए तो मैंने कहा मैंने आज मैं अपलोड कर ही देती हूँ मैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर दरअसल इनका, दरअसल ये घर पर ही थे तो ईद वाले दिन तो वैसे बहुत काम होते हैं, तो इनको मैंने आज भैंसों को पानी पिलाने के लिए लगाया था। तो ये पहले पीकर आ गई तो मैंने इसको बांध दिया, तो बीच में अभी मैंने पूड़ी वगैरह भी लानी है। दरअसल पहले जानवरों का काम ख़त्म करने के बाद फिर अंदर का काम करना है। तो ये देखें, दरअसल गर्मी बहुत है तो हमने सोचा इनको भी नहला दें। और इस साल हमने कुर्बानी नहीं लगाई इस बकरे की, अगले साल लगा रही है। दरअसल इस साल कुछ कमज़ोर सा है तो अगले साल के लिए इंशाल्लाह इसको हम तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे पहले से हमने सोचा हुआ था कि इस साल नहीं अगले साल लगानी है। ये दरअसल हम जब लेकर आए थे तो छोटा सा बच्चा था, इसकी लंबाई तो काफ़ी हो गई है मगर वैसे शरीर में नहीं भर रहा, शायद हमसे इतनी सेवा भी नहीं हुई इसलिए। मगर इस साल इंशाल्लाह ना हम इसकी खूब सेवा करेंगे, तो अगले साल इंशाल्लाह हम इसकी कुर्बानी लगाएंगे। तो गर्मी बहुत थी तो हमने ना अपने भैंसों के साथ साथ अपने बकरी को भी और बकरे को भी नहला दिया। वो मेरे पास इनको भी नहला देते हैं। तो यहाँ हारून कह रहा है कि मैंने भी नहलाना है, ये तो ना बहुत बहुत देर से कह रहा था कि जल्दी करो हम नहलाने, शैम्पू काफ़ी देर से ला कर रखे हुए थे इसने, तो उसको नहला दें अब हम। तो ये वैसे जान में नहीं है अभी बनाना पूरा, ये काफ़ी छोटा था जब हम इसको, मैं अगर सोच रही हूँ शायद वन मंथ का था। वैसे मेरे भाई ने कहा था लाने के लिए, तो ये हम वैसे कहीं और से लाए थे तो उस वक्त लेकर आए, तो फिर उन्होंने मना कर दिया था कि हमने नहीं रखना, तो हमने ये रख लिया था। तो मैंने तो वैसे शुरू से सोचा था कि हम कुर्बानी देंगे मगर ये कह रहे हैं तो चलो कोई नहीं वक्त के हिसाब से देखेंगे, मगर अब इन्होंने भी सोच लिया नहीं इंशाल्लाह हम इसकी कुर्बानी ही देंगे। तो वैसे जो अपने हाथ से बच्चा पाला हुआ होता है ना उसका दुख भी बहुत होता है, तो इस साल की कुर्बानी में भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अगले साल हम इसकी कैसे, जैसे दिल भर आता है ना बच्चों की तरह पाल कर चाहे जानवर हो, तो इसलिए ऐसे ही थोड़ा सा हो गया था कि इसकी भी हमने कुर्बानी देनी है। वैसे कई जैसे रोकर बनाते हैं ना वीडियो, वैसे उनका दिल खुद ही रोने को करता होगा, खुद बच्चा पालना और बड़ा करना काफ़ी दिल पर पत्थर रख कर होता है ये काम भी। तो ये देखिए हमारा, हम ये बकरी भी हमारी ना इसको 5 तारीख को ना इसकी हो जाएंगे प्रेगनेंसी के। तो देखते हैं इसका, वैसे फर्स्ट पहली बार ही है इसकी डिलीवरी, तो फिलहाल देखते हैं एक ही बच्चा देखने से तो हमें यही उम्मीद है। तो देखते हैं, तो इसके वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो पड़े हैं 10-15 दिन देख, तो यहाँ पर मैंने इसको ना दाने डाल दिए थे, तो यहाँ पर हमारी ना बकरी भी कह रही थी भी मुझको दाने वगैरह, तो इसको ना अभी ये प्रेग्नेंट है तो इस करके दाने नहीं डालेंगे, दरअसल इसको दाने ना ये नुकसान देंगे, तो इसके जैसे भी हम पहले डाल देते थे तो बच्चों को नुकसान देते थे, तो इसको हम ये जो भैंसों को खाड़ा वगैरह डालते हैं ना यही डालेंगे, दाने नहीं डालने उसको ना, तो बच्चों को भी नुकसान है इसका दाने वगैरह का। तो यहाँ पर हारून कब से नहा कर तैयार था, मेरे को तैयार इसके तो कपड़े, फिर मैंने आकर फटाफट से पहले प्रेस किए, कुछ प्रेस करने के लिए पड़े थे जल्दी, तो मैंने कहा इसको तैयार कर दे जल्दी आ जा हारून लेट हो गया, तैयार हो चले जा जल्दी पा फटाफट सैंडल पाऊं बट ओड़े सैंडल ले लोगे सैंडल खड़ जा। ईद तो बच्चों की होती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं ना, तो अपने
समरीन ने भी नया सूट सिलवाया और हारून ने भी नया कुर्ता पजामा। अस्सलाम वालेकुम। हाथ जोड़ दे। वालेकुम अस्सलाम। पुक्कू दे दे। तो यहाँ पर ना समरीन के सूट की तरपाई रह गई थी, तो मैं ये मैंने कहा फटाफट से कर दूँ मैं तरपाई उसके सूट की। तो मैं फिर इसके सूट की पहले मैंने कहा तरपाई कर देती हूँ, बाकी काम फिर करती हूँ बाद में। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी सेवियाँ लगी थी बनाने के लिए, मैंने कहा फिर सेवियाँ बना ली और आज मैंने बनाए थे करेले साथ में। तो यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं पर आज बकरा ईद है तो गोश्त नहीं बनाएंगे। तो ये देखते हैं आपने मेरी किसी मूवी देखी होगी तो मैंने करेले वगैरह सब भर कर रखे हुए थे, तो मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी जल्दी इनको बना लेती हूँ, ऐसे सुबह का खाना हो जाएगा इसके साथ के गोश्त वगैरह शाम को बनाएंगे। करेले बच्चों को बहुत पसंद है तो ज़्यादातर यही काट कर भी नहीं बनाने देते, कहते भर कर ही बना लेंगे दोनों बच्चे ना, कि हमने करेले अगर खाने हैं तो भरे हुए करेले खाने, कटे हुए नहीं। कई बार होता है ना बंदा जल्दी में कट काट कर बना लेता है, तो ये कहते हैं नहीं हमने तो जो भरे हुए करेले तकलीफ तो हम भरे हुए बनाते हैं करेले। तो यहाँ पर देखें करेले बनते तेल में हम बिना तेल के यहाँ पर, तो फिर करेले वगैरह तो तेल में ज़्यादा फ्राई होते हैं ऐसे, फिर सूखे सूखे से रह जाते हैं ना, अच्छे से फ्राई होते हैं उसमें तेल वगैरह खुला डलता है। यहाँ देख नहीं रही हैं स्वर के कुड़ियाँ, कह रहे हमने कहा खाना, हम तो खाना खाए हैं। मैं क्या जो हेलू करने लगी और यहाँ पर शाम का टाइम और भी जो अपने काम थे ना वो ख़त्म करने के बाद ये हम थोड़ा सा गोश्त बनाने लगे, थोड़ा सा हम कल बना लेंगे। तो मैंने वो बर्फ़ वाले खाने में लगा दिया था और यहाँ पर ये थोड़ा सा धो दिया था इन्होंने, तो मैंने कहा ये फिर यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी से फिर यहाँ पर बनाने लग गई थी। जो मेरी वीडियो पिछले साल भी जिन्होंने देखी होंगी उनको तो मालूम है मैं गोश्त खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर सेवियाँ पड़ी हुई थी मैंने फिर गर्म कर कर एक इनके लिए और अपने लिए, मैंने कहा चल पहले जब तक हमारा गोश्त वगैरह पक कर तैयार होगा जब तक हम सेवियाँ खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ रोटियाँ बना ली थी और गोश्त हमने सूखा सूखा बनाया था, तरी इन्होंने लगाई नहीं थी। और मैं अब मैंने तो अपने लिए करेला लिया था, जो मेरी वीडियो पहले देखते हैं वो जानते हैं कि मैं गोश्त वगैरह नहीं खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए करेला लिया था। यहाँ ये हारून समरीन का नया सूट जो मैंने सिला था, इसने उठकर दिखाया नहीं है। तो ये देखें, ये वैसे सब्जी नहीं खाता ना, गोश्त वगैरह खा लेता है मगर सब्जी में इसको मिर्चें लगती हैं, ये सब्जी नहीं खाता, गोश्त बहुत शौक से खाता है। कैसा है, टेस्टी है? तो ये हमने फिर शाम को तत्ता है वगैरह ये किया। मैं पूछ रही टेस्टी है, तो कहना तत्ता है, टेस्टी है। तो आपने दुआओं में याद रखना है, उंगलियों ने देखी है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।